हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार सुप्रभात कैसे हो मेरे बच्चों जय भैरू बाबा की जय हो भैरू बाबा की पशुपालन की विशेष क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है मैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राजपुरोहित आपका आज विशेष कक्षा जिसके अंदर भेड़ और बकरियों को पूरी तरह से अपन एकदम तरीके से याद करेंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे और उसके साथ ऐसा कुछ जस्टिफाई करेंगे जिससे आपके एज के एग्जाम उसके डायरेक्ट क्वेश्चन आए सभी को एक साथ गुड मॉर्निंग है साढ़े सात हो जाता है पांच सात मिनट जय जौहर जय जौहर भाई जय भैरू बाबा की जय हो भाई जय शनिदेव जय शनिदेव सभी को एक साथ पूरे तैतीस करोड़ देवी देवताओं की जय है और सभी देवताओं का अधिवादन है जय वीर तेजा जी की जय हो वीर तेजा जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलो स्टार्ट करते हैं आज के कुछ खास फोटोज के साथ कल मैंने कहा था ना कि बेड़ के फोटोज दिखाऊंगा तो स्टार्ट करते हैं ये देखिए फटाफट सभी को जोड़ लीजिए जो भी है और इस फोटो को देख के मुझे बताइए ये कौन सी बेड़ हो सकती है कैसे पहचान होगी और कल के जो फोटो रह गए थे कल थ्योरी में बात की थी फोटो मैंने कहा था कल दिखाऊंगा थी ये रे फोटो हाँ जय मैगी बाबा जय पुआ बाबा सब भिड़ाई जा जाओ भाई कौन सी पेड़ है बताओ देखे पिंक सिटी राम अजय जी जोधपुर से आशीर्वाद है आपको रहो आई माता की जय हो जय हो आई माता की कौन सी भेड़ है बताओ देखे आइडिया लगाओ देखे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई चल मेरी नहीं है भाई मैरिनो मैरिनो कहा से है मैरिनो देख के मजा आएगा दिस इज अ मालपुरा, ये कौन सी है मालपुरा खाती है मालपुरा खाती है सोना माँ सोना माँ का सफेद और भूरा बुरा सफेद मुंह है इसका है ना बुरा सफेद मुंह ये देखो ये बुरा है और ये देखो ये सफेद है इसीलिए मैं आपके फोटोज आया हूं, तो मैंने बातें कही थी वो वास्तव में कहीं ना कहीं खरी उतरे यहां पर तो ये देखो यहाँ पर इसका पीला ऊन है इसका बुरा बुरा गला है और ये बुरा है और ये सफेद है सोनामा ध्यान रखना एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में सोनाड़ी को विवरण में नहीं दिया है किसको दिया है मालपुरा को ना ही नाली को दिया है सोनामा तीन होती है बुरी सफेद बुरी सफेद तीन में से आपके सोनामा में से सोना सोना बाबू को नहीं दिया है मतलब सोनाड़ी और मालपुरा को नाली को नहीं दिया है माँ को दिया है मालपुरा को मालपुरा खाया है पेट पे यहां से नीचे देखे ना ऊन नहीं होती है ठीक है भाई हाँ चलो बढ़िया बढ़िया सभी को जोड़ो फुल शेयर करो ताकि ये जो विशेष क्लास है आपको फायदा दे सके क्यों क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ कार्य करना है जो कई प्रतिद्वंदियों के है ना मुंह को बंद किया जाए कहा था ना मैंने कल है ना द्वंद कहाँ तक पाला जाए युद्ध कहाँ तक टाला जाए अरे तू उत्कर्ष का स्टैंड है फेंक वाला जहां तक जाए खोपड़ी में सीधा छेद कर देना उनके जो कहते थे तुमसे नहीं हो पाएगा उनको हराना है जिन्होंने ये कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा और जब हमने काम स्टार्ट किया था काम प्रारंभ किया था काम चालू किया था पढ़ना चालू किया था तो लोगों ने यह कहा था कि तुमसे नहीं हो पाएगा हमने भी उनके सामने मुस्कान देकर यह कह दिया ये तो वक्त बताएगा और वक्त आने वाला है मेरे दोस्तों अट्ठारह तारीख़ को अट्ठारह तारीख़ को ए एस में ऐसा इतिहास लिखना है और जो भी नौकरी जो भी एग्ज़ाम देख रहा है जो भी कक्षा देख रहा है वो ऐसा इतिहास लिखने वाला है इन कक्षाओं के नहीं पूरा उत्कर्ष टीम की मेहनत के साथ कि वो कहीं ना कहीं कुछ खास दिखाने वाला है बिल्कुल एक जोरदार तरीके से शेयरिंग हो जाए और सभी बच्चे जितने भी एस वाले जोड़ दो क्योंकि उत्कर्ष उनके लिए ऐसा कुछ कार्य करेगा जिससे वो लाभान्वित तो होंगे होंगे अप्रिशिएट और करेंगे और अपने लक्ष्य को पाकर हमारे साथ हमारी टीम में कहीं ना कहीं वो भी अपना हाथ बटाएंगे बटाना भाई हाँ चलो ये बताओ ये कौन सी है मजा आ जाएगा वीडो में भाई साहब इतने मस्त मस्त फोटो लाए देखो आपके लिए छाट छाट के ये कौन सी है ये कौन सी है मौज कर दी मौज कर दी फटाफट पत लाओ देखें पटवार के लिए बेटा कम आता है पटवार और रीट के लिए सोमवार से लेकर अगले वीक तक बम फोड़ने वालों भयंकर अगले वीक यानी मंडे से लेकर आपके जो सैटरडे संडे तक अगला वीक पूरा पटवार रीट सब के लिए जितना बताना बता देना क्योंकि उसके अंदर पशु गणना के डेटा याद कराऊँगा पशु मेले कराऊंगा जो आपके सबके एग्जाम आते हैं हाँ क्या बात है यार अर्चना जी महेंद्र जी काजल जी सब ने एकदम सही दिया है ये है मारवाड़ी अरे मारवाड़ी का मुंह काला है लेकिन उसका मन सफेद है मारवाड़ी का मुंह काला है लेकिन उसका मन सफेद क्या शानदार भेड़ देखो ना व्हाइट कलर की लेकिन मुंह काला है सर ये मुंह का रंग आपके सामने नहीं यार मैं इसीलिए कल जो ट्रिक बताई थी उसको जस्टिफाई करने के लिए फोटोज लाया हूं कि वास्तव में इस प्रकार से होता भी है ना बढ़िया बढ़िया भाई गुड नेक्स्ट बताओ फटाफट ये कौन सी है ये तो ये तो अरे बता दो फटाफट पांच वर्ष वाली क्लास का टाइम क्या है मनीष जी अभी ऐप में लगवा देंगे बेटा अभी सुबह सुबह ऐप में लगवा देंगे कल पांच घंटे में आपके शानदार में ऐसी कुछ चीजें लाए डायरेक्ट एग्जाम में पढ़ने वाले रिस्क फैक्टर के अंदर टॉप क्लास ठीक है हाँ चलो बढ़िया बढ़िया भाई गुड ये कौन सी है इसका मुंह देखो फटाफट अरे इसका मुंह जो है कैसा है चॉकलेट जैसा है चॉकलेटी कलर का है तो चॉकलेटी कलर का तो चौकला में होता है चौकला कहाँ किए चूरू किए च के बाद क्या आता छ छ से छापर है अरे छापरे हो ना भाई अरे सुबह सुबह का टाइम हो और पूरे मनयो के साथ क्लास हो सीधा यहाँ बैठती है सीधा यहां बैठती है और जितने लोगों को बैठोगे उतना भला होगा कर भला हो भला बातें है ना हाँ तुम एक का करो तुम्हारा हजार भला होगा पटा पटा जाओ चौकला 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 ये कौन सी बताओ देखें ये कौन सी है ये कौन सी है, है भाई काला बुरा मुंह है आपको काला दिख रहा होगा लेकिन ये काला बुरा है मैं आपको बता देता हूं ये जो इसका मुंह है ना ये है काला भूरा और काला भूरा मतलब क्या ब्लैक एंड ब्राउन ब्लैक एंड ब्राउन मतलब बीबी कौन सी बीबी थी पूज्य बीबी ने पूज्य वैसा पुंगल जो है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के उसमें नहीं लिखी हुई है ध्यान रखना कितना पढ़ोगे बीस पच्चीस करवा दोगे मनीष जी पच्चीस का ही मैं तो पूरा हॉक रहा दो टेंशन मतलब ठीक है जैसलमेरी बढ़िया बढ़िया भाई जैसलमेरी है हाँ बिल्कुल इलेवन प्रश्न आएंगे तो बेटा ये पूरी इलेवन है एक ही ऐसी क्लास है जिसके अंदर कंप्लीट इलेवन टेटा सारा डेटा जो है मैं तो बुक ही छापता हूं क्यों क्योंकि जब एग्जाम में आपत्ति मांगते हैं तो सिर्फ राजस्थान बोर्ड की सरकारी किताबें चलती है और हमारा पूरा कोर्स उसी पर आधारित है एक डेटा मैंने अपना नहीं लिया पशुपालन विभाग का नहीं लिया है ठीक है गुड बढ़िया बढ़िया भाई पांच घंटे वाली क्लास आप नहीं बेटा पाँच घंटे वाली क्लास जो है वो ऐप लाइव होगी है ना वो देखेंगे बात करेंगे यदि है ना लेकिन ऐप लाइव होनी चाहिए तो ओम प्रकाश जी लोडा हो सकता है पब्लिक लाइव ना करें है ना वो डिस्कस करने के बाद ही पता चलेगी पाँच घंटे कक्षा जो है लेकिन उसमें बहुत कुछ थोड़ा सा अलग होने ठीक है बीकानेर नाम से नहीं है कोई नहीं है बीकानेर नहीं है तो ये कौन सी है पुगजनी है जस्सल मेरी है ध्यान रखना पुगल का विवरण नहीं है मैं आपको ये तका तक बता दूंगा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम में कौन कौन सी भेड़े पढ़नी है कौन कौन सी बकरियां पढ़नी है कौन कौन सी भैंसे पढ़नी है कौन कौन सी गायें पढ़नी है आपको लाइन टू लाइन बता दूंगा ये पढ़ लो बेटा क्योंकि मैंने उस पर कम से कम पचास बार तरीके से काम कर दिया है और शायद ऐप में पचास बार करवा भी दिया है है ना सब बच्चों को पता है उसी की बदौलत है गुड बढ़िया है ना जोड़ेंगे बेटा जोड़ेंगे ये देखो भाई साहब क्या पेल्ट है न क्या बेल्ट है ये कौन है बताओ देखें ये कौन सी है ये कौन सी बताओ देखें मजा आ जाएगा राइट आंसर सुनकर आपका हाँ जरूरत है उस क्लास की बेटा कैसे करे जरूरत है तो है ना यूट्यूब पर कर दो वो देखेंगे वो सर से बात करनी पड़ेगी चल झुटी सुनाओ समय समय आता उसका सुनाएंगे चल झुठी भी है ना हाँ ये बताओ देखे आप तो चल झुठी क्या चल झुटी चल सच्ची सब सुना लूंगा हाँ अरे बहुत कुछ है पढ़ाने का अभी बहुत कुछ है मैटर की बरमार है कराकुल ये जो है ना इसको ध्यान रखना ये है कराकुल काकू है काकू काकू देखो कू ऐसा लगा दो ना काकू है जीपरा रहा बद्युड़ा बाल बदीवड़ा काकूरा और काकू बेल्ट पहनता है काकू पेल्ट पहनता है कराकुल है भाई कराकुल है बहुत सही क्या बात है बढ़िया 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 राइट आंसर है यार कॉन्स्टेबल का मैच कब से चालू होगा मैं कह रहा हूं ना अगला पूरा वीक जो है वो आपके हर परीक्षा को कहीं ना कहीं दो से तीन या चार प्रश्न देने वाला है वो आएगी अगला वीक सोमवार से लेकर महा मैराथन चलेगी एक दिन पशु गणना एक दिन उसके क्वेश्चन दो दिन पशु मिले लाइन टू लाइन ऐसी कुछ बातें और एक दिन डेरी साइंस की बातें चलेगी है ना उससे अगले में डिजीज चलेगी डिजीज में भी आप किसी एग्जाम में दे सकते हैं मैं ऐसा नहीं पशुओं की खास डिजीज बताऊंगा तो अगले दो सप्ताह जो है इवन ये नस्लें भी कई जगह आती हैं हाँ चलो ये देखो भाई साहब ये भी वही कराकुल है दो फोटो सेम ही ये देखो ये भी कराकुल है ये भी कराकुली है ना हाँ ये कौन सी है बताओ देखे ये देखो फोटो तो इसको कहते हैं भाई साहब बार आ गई ना तो एक बार तो बेटी ठोक दी ने तो भी हालत खराब कर दी थी ये बताओ कौन सी है हाँ इसका आंसर सही है ना मजा आ जाएगा भाई नर नहीं था मादा थी बेटा वो नर नहीं था मादा थी विदेशी नर में सिंह होते हैं जीने के लिए एक मुलाकात जरूरी है कोई जरूरी नहीं है सिर्फ गोला काला करना जरूरी है <laughs> क्या बात है वेरी गुड क्या बात है राइट आंसर राइट आंसर है मेरिनो है स्पेन की बेड़ है ये ये देखो सिंग है मोटे मोटे इससे मारती है और मारती है तो मारना मेरिनो कोई कहता ना मारना ले मारना फिर ले तो मार तो मारती है तो मेरिनो है मारती है तो मेरिनो है क्या बात है क्या बात है राइट right आंसर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब चलो ये तो कल पढ़ा दी थी मैंने ये बताओ भाई साहब ये बकरी कौन सी है जिसके रंग से पहचान होगी देखो सीप में तो उसके मुंह से पहचान होती है और मुंह मैंने आपको पूरा बता दिया है मारवाड़ी काला है लेकिन मन से सफेद है मारवाड़ी काला है लेकिन मन से सफेद है पूजा बिब्बी पुंगल और जिसल मेरी ब्लैक एंड ब्राउन है मगरा सफेद है मारवाड़ी काड़ा है और उसके साथ ही सोनामा जो है सफेद भूरी है आठ से नस्ल नहीं है एग्रीकल्चर में मैं कह रहा हूं ना जिस दिन अठारह तारीख होगी देखना इन विशेष कक्षाओं से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पड़ जाएंगे और जो हमारे ऐप के बच्चे हैं जो उत्कर्ष के कंटिन्यूस बच्चे हैं वो बीस में से बीस ठोक के आएंगे हाँ यदि एक दो कोई इधर उधर हुआ उस पेपर की गलती हो क्योंकि उतना सारा उसको मैटर दे दिया है बढ़िया बढ़िया भाई क्या बात है सबका राइट आंसर है सिरोही है ये ये कौन सी है ये सिरोही नस्ल है जिसको अजमेर में चारा और विकास कार्यक्रम में पूरा का पूरा रिसर्च के लिए रखा गया भारत की जल्द से जल्द ये अच्छी मास वाली नस्ल बनने वाली है सिरोही नस्ल है बहुत बहुत सही है बहुत बढ़िया का कलर कैसा है भाई लाल में सफेद ऐसा लग रहा है कि लाल में छोटे छोटे व्हाइट बाल आ गए लाल में बाल लाल में बाल सर एग्रीकल्चर चलती है क्या सर अरे नीरज जी एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर की है ना यही एग्रीकल्चर का नहीं है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बैच हमारे फुल हो चुके चल चुके हैं उनका काम हो चुका है ऑफलाइन ऑनलाइन एमसीक्यू अब तो आपकी सेवा की जा रही है 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 ना अब जो है, ये तो जनता की सेवा है और जनता का प्यार है मौज कर दी मौज कर दी ना बिल्कुल अब आएगी असली मौज बताओ देखे ये भाई साहब फूट ऋषि कौन सी है ये कौन सी है बताओ देखें ये कौन सी है नेहा जी कल कितने बजे है कल बता दूंगा मैं अभी उसको शेड्यूल कराऊंगा पूछता हूँ हाँ बिज्जू बकरे राम सर अजमेर गुड 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 पांच सौ पांच फाइव हंड्रेड क्रॉस कर दिए भाई आपने बढ़िया 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 संख्या आज पांच सौ हो गई है है ना संख्या हजार से पंद्रह करो फटाफट पत। हाँ और जुड़ जाओ सभी जने हैं मैं तो कहता हूं एग्रीकल्चर एल हरियाणा जहां पशुपालन है वो सब जुड़ने चाहिए और मैं तो कहता हूं दूसरे भी बच्चे जो नस्लों में इंटरेस्टेड वो भी जुड़े क्यों कुछ खास तो मैं कराऊंगा ये है बीटल ये है बीटल पंजाबी है बीटल है पंजाबी पंजाबी बीट बजा दो पंजाबी बीट बजा बार नहीं है बीटल काली है देखो बीटल ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट इसमें देखो यहाँ पर है ना ये व्हाइट व्हाइट धब्बे भी होते हैं आंखों पे निदर है ना इसमें देख नहीं रहे बाकी बीटल होती है ब्लैक सिरोई जो होती है वो होती है कैसी लाल और वाइट ये कलर पूछते हैं भाई है ना ये कलर पूछते हैं चलो ये बताओ ये एकदम परी जैसी सफेद है परी जैसी सफेद है जिसके लंबे लंबे कान है जिसमें तोतापुरी नाक है और जिसके पिछली टांगों पर बाल है ये तो क्वेश्चन लिख लेना आता ही आता है है ना फटाफट पट बता दो महिपाल जी बड़े चलिए अंधेरों में ज्यादा दम नहीं होता निगाहों का उजाला भी दियों से कम नहीं होता क्या बात कही है भाई वेरी गुड वेरी गुड हाँ कल ऐप में मैराथन लगा देंगे कल ऐप में पाँच घंटे की मैराथन लगाएंगे नॉन स्टॉप उसके अंदर आपको जितनी आपकी बची हुई है बची तो क्या है लेकिन कुछ खास पॉइंटों के साथ है एक शानदार मैटर बनाया हुआ आपके लिए निश्चित रहे जमुनापुरी क्या बात है क्या बात है ये है जमुना है जमुना आज से जमुना पूरी को जमुना परी बोलना क्यों परी कैसी होती है सफेद कलर की होती है लेकिन परी के पिछले बालों पर है ना टांगों पर बाल है परी कैसी है नाक तोते जैसा क्या ना बढ़िया तोते जैसा शानदार नाक है नाक कैसा है तोते जैसा है तोतापुरी नाक है तोतापुरी नाक है तोतापुरी नाक है और बताओ अना कान देखो इसके लंबे लंबे हैं कान कैसे हैं लंबे लंबे पत्ती नुमा कान भी इसमें होते हैं पत्ती नुमा कान भी इसमें होते हैं हालांकि इतने नहीं तगड़े ये कौन सी है फोटो देख के माइंड फ्रेश हो जाएगा भाई ये तो ऐसे लग रही है सफेद कलर की बकरी थी और अंदर मेहंदी दे दी है किसी ने गांव में देते हैं ना होली दिवाली पे ना, है ना मेहंदी देते हैं वैसे लग रहा है सफेद धोड़ी बकरी थी और लाल लाल मेहंदी दे दी इसके अंदर है ना हाँ ये कौन सी है फटाफट बताओ भाई ये कौन सी है हाँ आपस में बातचीत और ये इमोजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है भाई ये विशेष ध्यान रखना कक्षा के अंदर आप एक तो पब्लिक चैट नहीं करेंगे बातचीत एक इमोजी नहीं भेजेंगे अदरवाइज आपको ब्लॉक करना पड़ेगा और आपकी क्लास रुक जाएगी बेटा ना सिर्फ पढ़ो और मस्त तरीके से पढ़ो हाँ बार बहुत बढ़िया बड़ बढ़िया सिटी गॉट है ये कौन सी है ये है बारबरी जो अफ्रीका के बारबरा सैसराया और इसे बोलते हैं शहरी बकरी ये कौन सी है शहरी बकरी ये कौन सी है शहरी बकरी है ये है बारबरी ये कौन सी है बारबरी बढ़िया 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 और लाओ देखें ये लास्ट बची है आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जितनी भेड़ बकरिया थी सबके फोटो मैंने दिए हैं भाई सेलेक्ट कर करके एक एक फोटो दिया मामा चोर जैसा सारे है तुलसी बीज बाजरा लाना सारा छापा है सिर्फ एक अवि वस्त्र नहीं लाया गलती से बाकी सारा है वो कम ही पूछते हैं ना उसका तो क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं एक एक भेड़ बकरी जो ए में एल है वो मैंने दिखा दिया आज हाँ बताओ देखें हिरनी जैसे कहा हाँ बेबी बचपन सही है भाई ये कौन सी बताओ देखें महिपाल जी सही है बहुत बढ़िया भाई आपस में क्या देख कैसे बता दो क्या हा टोगनबर्ग है ये कौन सी है वर्ग है कौन सी है वर्ग है ठीक है ये फोटो हो गए खत्म ये फोटो हो गए खत्म आनंद आया ना कमेंट्स करके बताना रियल में फोटो से आपको कैसा लगा और किस प्रकार से आपने इसके साथ थोड़ा एंटरटेनिंग मोड में भी टॉपिक को रेडी किया देखो पढ़ाई ऐसी होती है जो आनंद दे सफोकेशन वाली पढ़ाई नहीं होती है वो तो दुख देखने वाला काम होता है सभी जन बताना ये फोटोएँ कैसी लगी कलेक्शन आपको कैसा लगा और उसके बाद चलाते हैं क्वेश्चन सीरीज क्योंकि क्वेश्चन से ही अपना भला होता है आ जाओ देखिए फटाफट गॉड ब्रीड के क्वेश्चन पैनल भी है लेकिन पैनल लास्ट में पहले क्वेश्चंस करेंगे है ना यस yes, सर बढ़िया लगा सर मजा आ गया मजा आ गया सर बहुत अच्छा नाइस धन्यवाद भाई देखो मैं पहले बता देता हूं थोड़ा एक्शन रिएक्शन चलेगा है ना जितना उधर से होगा इतना इधर से होगा ठीक है इधर से शानदार होगा एक्सलेंट होगा एक बात तो मानते हो ना टीचर और पेरेंट्स कम देने में विश्वास नहीं करता हम तो ज्यादा देने में विश्वास करते हैं ठीक है ना भाई हाँ पूरी समझ गई ना बढ़िया आपके जितने यहां से कमेंट्स और जितने आप खुश रहेंगे राजी रहेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा हमारा हौसला उतना ही बढ़ेगा और टीचर का हौसला बढ़ गया ना भाई साहब फिर तो कहर आने वाला है आपका सारा का सारा सलेक्शन आने वाला है बढ़िया लगा सुपर मौज कर दी बढ़िया बढ़िया भाई कमेंट में कमी नहीं होनी चाहिए दरा दर चलने चाहिए ताकि पता चले ना कि कैसा काम करें मौजा ही मौजा बढ़िया 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 भाई नाइस क्लासेज थैंक यू थैंक यू सभी का बहुत दिल से आभार है और सुबह सुबह की कह रहे ना वो निकली हुई दुआ और निकली हुए शब्द बहुत काम करते हैं यदि शब्द निकल गया कि सलेक्शन है श्योर तो सिलेक्शन है और यदि तुमने कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड कर दिया तो फिर सिलेक्शन तो छोड़ो कहीं ना कहीं मुश्किल स्क्रीन शॉट नहीं स्क्रीन शॉट जरूरत नहीं है आप तो फोन को पीछे घुमा घुमा के देखो ना भाई हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यू मस्त क्लास है बहुत बढ़िया जाओ फिर क्वेश्चनों की भरमार करते हैं क्वेश्चन की भरमार करते हैं लाओ देखे अब की बार एस पार जिस नौकरी में हो उसके लिए एक बार ये नारा लगा दो अब की बार सरकारी नौकरी पार बस ये है अब की बार सरकारी भला फेंकना है नीरज चौपड़ा नहीं फेंका था ना बस खुद को उसमें देखो उसकी मेहनत को देखो उसके पीछे उसकी कार्य प्रणाली को देखो कितना दुख देखा होगा फटाफट पट आ जाओ सभी जने आपकी हाँ, है हाँ, जो भी एग्जाम हो बेटा और अगला वीक और उससे अगला वीक तो बिल्कुल खतरनाक भलाफ सीरीज होगी जो सीधा खोपड़ी में छेद करने वाली होगी क्यों क्योंकि जो भी बच्चा देखे रीट पटवार मैं तो कहता हूँ राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो पशु मेले आते ही आते हैं पशु गणना आती आती है बीमारियां आती आती है बस फर्क यह है कि थोड़ी बहुत अलग है थोड़ी बहुत अलग है आ जाओ क्वेश्चन का आंसर लगाओ बकरी की जाति है बकरी की जाति है तुरंत बताओ देखें बकरी की जाति कौन सी होती है मस्त क्लास है थैंक यू भाई हाँ कैप्रा है कैप्रा हिरकस है कैप्रा हिरकस है ओविस एरियस कौन है भेड़ है ओविस एरियस कौन है भेड़ है बॉस टोरस कौन है गायों की विदेशी गायों की विदेशी नस्लों के लिए होता है ऑस्टोरस और अपने इंडिया वाली कौन है ये? और ये कैपरा जो है ये कैपरा क्या है ये बकरी का वंश है देखो कभी भी ध्यान रखना दो नाम होते हैं एक ए और एक बी पहला नाम होता है वो तो होता है उसका वंश जीनस और दूसरा नाम होता है है वो उसकी जाति ना तो आपसे क्या पूछिए बेटा जाति इसलिए ध्यान रखना कैपरा मत कर देना कैपरा हिरकस होता है इसका पूरा नाम कैपरा हिरकस होता है वो भी डी फैमिली हरियाणा में आई थी एग्रीकल्चर में भी कई बार कुल और फैमिली आ चुकी है है ना हा इस क्लास का अब्दुल काफी और से इंतजार कर रहा था नहीं मैंने पहले कहा था ना सुन लेना आपस में यदि किसी की बातचीत और ऐसे इमोजी और नहीं पढ़ने का स्वभाव दिया उसे तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा ठीक है इसलिए मामला एकदम पढ़ाई वाला होना चाहिए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से प्यार है बाकी चीजों से नहीं है बाकी चीजों से मतलब ही नहीं है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई क्यों अभी एग्जाम सर पर और यदि इस प्रकार का कोई भी इमोजी और ऐसा है तो बिल्कुल उसे हटा देंगे भाई है ना हाँ ये पंजाबी मिक्स सॉन्ग है नहीं है ना नाम वाम नहीं लेते हैं भैया ना ऐसे नहीं चलता है कोई नाम लेने थोड़ी आए यहाँ पे पढ़ाई करने आए हैं तो पढ़ाई करो जचाके और इस प्रकार आप से आप इमो जी ने हतई वताई करेंगे तो ये फर्जी चैनल नहीं आपको हटा देंगे एक मिनट में हाँ अब की बार एस पार बढ़िया बस अपने कॉन्सेंट्रेट रखो कहीं ना कहीं अपने वर्ड के साथ आ जाओ देखें उत्तरी भारत की बकरी कौन सी है नॉर्थ में दो ही बकरियां होती है एक तो गड्डी है ना एक चंगथंगी और कभी कभी चेगु है कल बताया था मैंने वो साउथ में नॉर्थ की भीड़े कौन सी थी है ना चंडीगढ़ गरबा पुराने यदि कभी उत्तरी भारत की बकरी पूछे ना तो आप सीधा तीन को टिक कर देना चेगु है गड्डी है चंगथंगी है गड्डी और चंगथंगी जो है वो आपके भेड़ भी है ना बकरी भी है ये भेड़ और बकरी दोनों है और मैं पहले ही कह चुका हूं सुन लेना मेरी बात स्पष्ट तरीके से आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की राजस्थान बोर्ड की किताब है ना उसकी हर एक लाइन को मैंने छापा है कोई संयस नहीं रखे कि सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं आउट एंड ज्यादा पढ़ा रो कम पढ़ा नथिंग बैलेंस पढ़ा रहा हूँ एकदम लाइन टू लाइन और जिस दिन भाई साहब उस किताब के अंदर से सवाल आए ना तो भाई साहब जो पब्लिकेशन और ऐसे पढ़ते हैं उनको तो पता ही नहीं चलेगा सवाल आया कहाँ से इसलिए है इसलिए ध्यान रखना पूरी ऑथेंटिसिटी है उत्तरी भारत में कौन सी है ये पड़ी गड्डी झकराना कहाँ की है राजस्थान की है झकराना कहाँ है वेस्ट साइड की है राजस्थान की है बीटल कहाँ की है पंजाबी है है ना और ये मालाबारी कौन सी है साउथ की है मैं अभी जैसे जैसे क्वेश्चन की डिमांड होगी वैसे वैसे आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारी भेड़े बकरियां बता दूंगा भेड़ कल बताई थी आज बकरियां बता दूंगा अरे पर डे एक स्पीसीज को खत्म कर रहा हूं वो भी कॉन्फिडेंस है और वो भी कहीं ताकत से तो उसका वापस अफजाई तो होना चाहिए ना भाई हाँ बकरी का वंश है कैपरा हाँ बकरी का वंश है कैपरा हिरकस है उसकी जाति अच्छा अपन ने जाति लिख दी क्या हाँ कैपरा उसका वंश है देख लेते हैं कहा है हाँ वंस सही है ना बेटा वंस लिखा ना सही है चलो निन में से किस बकरी का इटावा जिला है बताओ फटाफट मैं पहले कह चुका टोटल के टोटल एग्रीकल्चर बुक का हिस्सा है टोटल एक भी बार का नहीं है हाँ थैंक यू भाई करो फटाफट मॉर्निंग गुड मॉर्निंग लेट मत आओ भाई फटाफट आया करो टाइम से आया करो हाँ चलो कौन सी है भाई उत्तर प्रदेश यूपी की कौन सी बताओ देखे बिल्कुल राइट आंसर है अब सुनना इसका मजा जमुनापुरी जमुना से देखो आपको यमुना दिख रही है जमुना से यमुना और यमुना कहाँ है यूपी में है तो ये क्या हुआ कि ये जमुना जो परी थी परी कहाँ गई यमुना में नहाने गई है ना देखना जमुना परी जमुना थी कोई जमुना थी वो परी थी वो परी कहाँ गई नहाने यमुना नदी में कहाँ गई यमुना में यमुना में गई सर गई से क्या रे मजा यही है देखना गई से ग्वालियर है गई से ग्वालियर है और ई से इटावा है ये यहाँ की है जमुना परी है बीटल पंजाबी की है फिर दोस्तपुर गुरदासपुर वहाँ की है बारबरी अफ्रीका की है हर शहर वाली जा सकती है और टॉगन बट टोरा नहीं है टॉगन है ये है ना चलो बढ़िया भाई हर बात लिख लेना ध्यान रखना हर बात लिख लेना आनंद आने वाला है चलो नेक्स्ट पश्चिमी भारत की बकरी की नस्ली कौन से हैं पश्चिमी अभी बताता हूँ पश्चिम देखो अपन ने क्या किया था ईस्ट और वेस्ट है ना ईस्ट और वेस्ट तो ईस्ट हो गई है अब वेस्ट की पश्चिमी भारत के अंदर खूब सारी बकरियां है भाई है ना पश्चिमी भारत के अंदर राजस्थान की बकरिया है राजस्थान की जो है वो वेस्ट इंडिया की है ठीक है इसके अंदर यहां पर देखना लाइन लगा देता हूं सिरोई है ठीक है और सूरती है सूरती बकरी भी है और ये भी है सिरोई सूरती है और मैसाणा है ना मारवाड़ी है मैसाणा है और मारवाड़ी है ना फिर झकराना है जो अलवर के बहरोड तहसील की है और जमुनापुरी है जो यूपी की है ना, है ना जमुनापुरी है ना गजब गोहिलवाड़ी है जो गोडवाड़ क्षेत्र है वहां की है ना गोहिलवाड़ी कौन सी है गोहिलवाड़ी गोहिलवाड़ी के बाद में है ना और कौन सी है गजब ना, है ना झालावाड़ी है झालावाड़ साइड की झालावाड़ी है ना और बारबरी है जो शहर की बकरी अफ्रीका की है और बीटल है पंजाबी है लेकिन खूब मिलती है इसके सबके आगे वाले अक्षर देखो तो एस एस एम एम जे जे इसका हो जाएगा एस एम जे डबल बार समाज गजब इसका हो जाएगा जी जे बी बी गजब इसने कहा समाज गजब है भाई साहब समाज गजब है समाज गजब है ना ये हो जाएगा ऐसे सिरोही ऐसे सूरती सूरती बकरी भी है सूरती भैंस भी है है ना एम से मैसाणा मारवाड़ी यानी बकरियों में दो नस्लें भैंसों के नाम की भी है सूरती और मैसाणा उसके बाद में कौन सा जे से है झकराणा जमुना झकराणा अलवर के बहरोड़ तहसील के झकराणा ग्राम से है और ये अलवर भरतपुर में फुल पाई जाती है नेक्स्ट यहाँ पर गोयलवाड़ी जो है गोडवाड़ के झालावाड़ी झालावाड़ की बारबरी बीटल का पूरा विवरण अपने सामने है बताओ आपको ना नॉर्थ की बकरिया याद करा दी कौन सी चेगुगड्डी चंगथंगी चेगू गड्डी चंगथंगी और इसकी ये पढ़िए समाज गजब है और अभी मैं बता दूंगा साउथ की और अभी करा दूंगा कौन सी ईस्ट की बिल्कुल सूरज शहर सामान्य है थैंक यू भाई थैंक यू दिलराज जी समाज गजब है समाज गजब है मैं कह रहा हूं ना इतनी शानदार शानदार चीज़ें हैं और एक एक चीज को तोल तोल के करा रहा हूं। देखो सबसे बड़ा दुख दर्द वही होता है स्टूडेंट के लिए जब चीजें याद नहीं होती मैं भी विद्यार्थी था अभी भी मैं बहुत पढ़ता हूँ मैंने भी कठिन मेहनत की थी पाँच छः साल जब मैं मेडिकल की तैयारी करा था मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ भाई सभी को कि सभी स्टूडेंट ही मेरे सामने जब स्टूडेंट को कई चीजें समझ में नहीं आती याद नहीं आता तो उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है क्यों बाकी दुखों से अपने को पेरेंट्स अलग रखते हैं घर के दुख से अपन अलग रहते हैं लेकिन उस पढ़ाई के दुख का क्या उस पढ़ाई के दुख को दूर करने के लिए अपने पास होते हैं टीचर और वो टीचर यदि पूरा जोर लगा क्योंकि मैं भी अपने दिल से अप्रिशिएट करता हूं उन टीचरों को जिन्होंने मेरे टॉपिक को सुलझाया था और मुझे उन टॉपिक के साथ एकदम कंफर्ट किया था मैं हकीकत में आज भी नतमस्तक हूँ उन मास्टरों के सामने टीचरों के सामने गुरुओं के सामने जिन्होंने मेरे लिए वास्तव में भयंकर काम किया मैं भी कोशिश करता हूं उनकी ऐसी एक छवि प्रस्तुत करूं से डायलॉग से कैसी है बस आपके टॉपिक को इसी कर दो और वहां से वापस आवाज निकले कि वाह सर मजा आ गया सर आज तक जो चीजें टफ थी वो ईजी होगी सर वास्तव में सर आपने काम किया सर वास्तव में हम भी कुछ ऐसी अलग जगाएंगे हम भी कुछ ऐसा काम करेंगे तभी शानदार नाम भी होगा क्योंकि ध्यान रखना सिर्फ काम करने से नहीं होता काम को आत्मा से करने से होता है पढ़ने से कुछ नहीं होता पढ़ने से ज्यादा याद करने से होता है नॉर्मल पढ़ने वाले ध्यान रख लेना कुछ नहीं होना है और जबरदस्त पढ़ने वाले ध्यान रख लेना बहुत कुछ होने वाला है लाइफ तुम्हारे सामने सरेंडर करने वाली है और जो विरोधी आज तक ये कहते थे ना तुमसे नहीं होगा वो यही कहेगा तुमसे ही होगा तुम ही करोगे तुम ही ऐसे स्टूडेंट हो तुम ही ऐसे विद्यार्थी हो रात दिन पढ़कर तुझसे नहीं होगा किसी से नहीं होगा

सही है भाई चलो कमेंट करके बता देना क्या ऐसे मोटिवेशन से आप लाभान्वित होते हैं क्या क्या इस प्रकार के कुछ मोटिवेशन से आपका दिन शानदार जाता है क्या क्या पढ़ने का मन करता है क्या मन करता है तो फटाफट कमेंट ठोक के बता दो कि किस प्रकार से आपको रियल में रियल में हार्ट टचिंग हुआ है और अच्छा लगा है है ना इमोजी बिल्कुल भी नहीं इमोजी और आपसी गपसप बिल्कुल नहीं भाई ध्यान रखना चलो फिर बता दो इसमें से कौन सी चंग थंगी कहां की है चंग थंगी उधर की है नॉर्थ की है ठीक है गड्डी भी कहां की है नॉर्थ की है मैसाणा गाय मैसाणा और मालाबारी कहाँ की है साउथ की है? अभी साउथ में बता दूंगा तीन ही है ओसमान बड़ी और संगमनेरी ठीक है भाई हाँ चलो दूध का क्या सीन है भाई दूध कैसे याद करता अभी दूध याद कराता हूं दूध के लिए पांच बकरियां याद कर लो आप तो कौन कौन सी है यहां पर सिरोई हाँ, सिरोई का दूध जो है सिरोई का दूध जो है वो एक से डेढ़ लीटर है कितना सर पर डे बस सिरोई सिंगल है है ना तुलसी बीज बीटल और जमुनापुरी का लगभग समान ही होता है बीटल और जमुनापुरी का दोनों का दो से तीन लीटर होता है दो से तीन लीटर होता है तुलसी बीज बाजरा बारबरी का थोड़ा ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा तो है ना ढाई से साढ़े तीन मैंने पहले ही कहा था डेटा सारे बुक के है और उसके बाद कौन सा टॉगन बर्ग का है देखो टॉगन बर्ग के सर कितने हैं छह और छ क्या है पाँच से छ लीटर दूध देने वाली हाँ लेकिन ध्यान रखना दूध सबसे अधिक और दूध में बकरियां कौन सी है शान दूध की रानी है ये पांच बकरी आपके विवरण वाइज है कोर्स में आपके कोर्स में पांच बकरिया है जो विवरण वाइज है भाई है ना हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हाँ चलो इसको लिख लो फटाफट इसको लिख लो यहाँ पर सिरोई बीटल जमुनापुरी बारबरी और टॉगनबर्ग ये इसका रहेगा अभी फैट की आएगी उसमें ट्रिक बताऊंगा इसमें से फैट की ट्रिक भी आने वाली है हाँ महाकाल की सौगंध मुकाबला टक्कर का होगा अरे मुकाबला टक्कर का नहीं होगा वीरेंद्र जी अब तो मुकाबला एक तरफा होगा अब मुकाबला टक्कर का टक्कर वाली बात गई क्या अपन संघर्ष करेंगे क्या नहीं अपन तो टक्कर का नहीं मुकाबला एक तरफा करेगा अपने सामने टिकने नहीं देंगे अरे अपनी इतनी प्रैक्टिस बढ़ा लो अपने आप को इतना मजबूत कर लो क्या विरोधी एक बार तो देख के कह दे बेडा माऊ तो कौन है अपने आप को इतना मजबूत कर लो अपने आप को इतना शानदार कर लो कि टक्कर छोड़ो वो टक्कर लेने से पहले ही भाग जाए है ना आपके सामने टिके ही नहीं पूरे तेईस उस पर आप में से हर एक को आसीन करना चाहता हूं मैं कंप्यूटर क्लास कब से शुरू कर रहे हो वो बेटा आपके जो है ना ये कमेंट्स है उसको हमारी टीम देखेगी और ऑटोमेटिक उसको आगे भेज देगी है ना संगणक की भर्ती कह रहे हो उसका है ना बिल्कुल संगणक की भर्ती आई है तो उसका भी सर देख रहे हैं जल्दी से आपके लिए है ना कोर्स लगा देंगे हाँ बता हाँ भाई क्लास में थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी इस वजह से एरर आ गया तो उसके लिए है ना थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं यही प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन में थोड़ा नेटवर्क की तरह यदि सिस्टम हैंग हो जाता है ना तो बिल्कुल थोड़ी बहुत चलिए क्लास थोड़ी ना पूरी चलेगी है ना एक्चुअली ऑनलाइन है जो मसीने है हैं मशीनें तो ख़राब होती है ना इस वजह से इसलिए कहता हूँ नोट्स बना लिया करो भाई एग्जाम के समय ऐसा नहीं हो कि कहीं मोबाइल हैंग हो गया कुछ ऐसा हो गया तो नोट्स बना के तैयार रखो क्योंकि उसकी होड कोई नहीं है चलो सभी जने बता दो फटाफट कमेंट करके है ना कि क्लास स्टार्ट हो गई है भाई हाँ सभी जने वापस आ जाओ क्लास स्टार्ट हो गई आंसर आ रहा मतलब हाँ हाँ जी सर हाँ जी सर वो ठीक है ठीक है चलो कोरोना <laughs> की नजर लगी अभी टीका ठोकते हैं कोरोना का ओके फाइन क्वेश्चन करो पश्चिमी भारत है पश्चिम मतलब कौन सा वेस्ट वेस्ट मतलब कौन सा राजस्थान अपने जो राजस्थान की पश्चिम आती है चंगथंगी कहाँ की है भाई नॉर्थ की है चंगथंग कहाँ की है नॉर्थ की है मारवाड़ी कहाँ की है बिल्कुल वेस्ट की है राजस्थान की है यही इसका राइट right आंसर है जकराना अरे हाँ यार नहीं है नहीं है इसलिए इसका आंसर ये होगा क्योंकि बाकी सब तो है ना बाकी सब तो वेस्ट की है और वेस्ट वाले राजस्थान की अभी बताई थी मैंने कैसे समाज गजब समाज गजब है समाज गजब है समाज वास्तव में गजब ही है अच्छा करता है कोई तो भी भाई साहब कुछ नहीं और खराब करता है तो भी कुछ नहीं किया है ना पता नहीं ये दुनिया वाले कब सुधरेंगे है ना हाँ कुछ अच्छा करो तो भी पीछे पड़े रहते हैं और कुछ खराब करो तो भी पीछे पड़े रहते हैं कुछ नहीं करो तो भी पीछे पड़े रहते हैं कभी ये नहीं कहते हैं कि तेरा नाम नहीं लेंगे ठीक है तो समाज गजब है और वेस्ट है है ना बिल्कुल बिल्कुल चल गई भाई क्लास है देखो थोड़ी सिस्टमेटिक ऑर्डर थी उसको दूर कर दिया है अभी कोरोना का टीका ठोक दिया है हाँ व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं देते कोशिश करते हैं बेटा है ना देखो टाइमिंग कम रहता है शानदार ट्रिक अभी जो बीच में डिस्टर्बेंस हुआ सबको रोक देता हूं शानदार तरीके से मजा लाता हूं ना हाँ आओ इधर बकरी के दूध की ट्रिक जो होती है आओ इधर इसमें आपके सबसे ज्यादा सबसे कम है टॉगनबर का टोगन वर्ग है ना उसका है मात्र तीन परसेंट ही है टॉगन के बाद में सिरोई सिरोई जो है फिर बीटल है फिर जमुनापुरी है ठीक है फिर तुलसी बीज बाजरा बारबरी है ठीक है अभी मैं इनके सबके बताता हूं इसका तीन परसेंट फैट होता है ये फैट है बकरियों का ठीक है इसका लगभग साढ़े तीन से साढ़े चार होता है इसका बीटल और जमुनापुरी दोनों का साढ़े तीन से पांच तक होता है और बारबरी का साढ़े चार से पांच तक होता है फैट परसेंटेज ये फैट परसेंटेज राजस्थान बोर्ड की बुक्स का है मेरा नहीं है इसलिए इस पर यदि कुछ भी आपत्ति आती है बकायदा मैं आपको फोटो दे सकता हूं किताब का जिसको सरकार को मानना पड़ता है रेट लगती है ठीक है आओ फटाफट इसमें इसको कैसे याद करेंगे इसका बनाओ टी का टी है ना एस फिर बीज बना लो तुसी बीज और उसका बना लो बारबरी का बाजरा क्यों सर अभी बताता हूँ देखो ये क्या है तो इसने बोला तुसी भाई चौमासा ना तो कोई बाजरा तुसी बीज बाजरे का लाना किसी ने कहा अपने यहाँ पर जो बाजरा है वही होता है तो बोला तुसी बीज बाजरे का लाना ये इसकी ट्रिक रहेगी ये इसकी ट्रिक रहेगी है ना तुसी बीज बाजरे का लाना टी से तीन बाजरे का दिमाग रखना किसी ने कहा अरे तू जाए ना पंजाब वाले हरियाणा वाले तुसी जाओ तो तु बीज बाजरा लाना बाजरा होता जी अपने यहाँ पे तुसी बीज बाजरा लाना टी से टॉग नंबर तीन आगे कौन है तू सी सिरोही साढ़े तीन से साढ़े चार बी जब इटल जमुनापुरी सेम है साढ़े तीन से पांच है फिर आगे साढ़े चार से पांच है बिल्कुल नाइस ट्रिक है धन्यवाद है सभी को जोड़ दो फटाफट बता दो बिना दूरी किए कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते बिल्कुल मंजिल की तरफ चलना पड़ता है हौसलों से और अपनी मेहनत से ख्वाब देखने से पूरे नहीं होते ख्वाब के लिए मरना पड़ता है जीना नहीं पड़ता है ख्वाब के लिए दुख देखना पड़ता है अरे सर दर्द हो कुछ भी हो पढ़ना है तो पढ़ नहीं है पढ़ना है तो पढ़ना ही है है ना अपने पिताजी की फिक्र को फक्र में बदलना है और माता जी की उन दुआओं को प्यार को कहीं कही ना कहीं दुनिया में है ना नाम कमाना है बढ़िया करना है है ना हाँ पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा ए माँ तू सपने बड़े देखना उसे पूरा करके मैं दिखलाऊंगा यदि माँ का सपना सरकारी नौकरी का है माँ आपको कुछ खास देखना चाहती है तो मेरे बेटों मेरे शानदार दोस्तों मेरे भाइयों अपना जोर लगा देना सुबह पाँच बजे उठ जाना रात को एक एक बजे तक सोना आज तक का रिकॉर्ड है पढ़ने से कोई नहीं मरा है लेकिन आज तक का ये भी रिकॉर्ड है पढ़ने से कईयों की जिंदगियां सवरी है पीढ़ियाँ सवरी है यदि मैं उस पढ़ाई में आपका थोड़ा सा मददगार हो सकता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं ये काम कर रहा हूँ लेकिन इसका असर होना चाहिए इन बातों का असर होना चाहिए रात को लेट तक सुबह जल्दी तक दिन में भी पढ़ाई पढ़ाई हो आनंद आ जाएगा क्यों पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है और माँ की पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाना है है ना बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद है सभी का मजा आ गया ना तो तुसी बीज बाजरे लाना सर चौदह दिन बाद नहीं इसलिए तीन दिन जल्दी करो एक बार करवा दो हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं तो आपके सत्रह तक साथ में हूँ भाई मैं तो सत्रह की सुबह भी क्लास लगाऊंगा अट्ठारह को सॉल्यूशन कराऊंगा और सभी को ऑल द बेस्ट विशेष दूंगा ठीक है और ऐप वालों आपके लिए ऐप में व्यवस्था कर रहा हूँ बिल्कुल है ना hmm. चलो अब आओ इधर साढ़े तीन से साढ़े पांच इसको लिख दो इधर तुसी बीज बाजरा ऐसे लिख दिया करो साइड में रफ मैट्रिक क्या पूछा है साढ़े तीन से इसका कितना है तीन से चार है इसका कितना है साढ़े तीन से साढ़े चार है बीच का कितना है साढ़े तीन से पांच है और इसका कितना है साढ़े चार से पांच है बताओ किसका पूछा साढ़े से पांच बीटल जमुनापुरी साढ़े तीन से पांच कौन है भाई साढ़े तीन से पांच कौन है मिट्टल भी है और जमुनापुरी भी है अब बताओ आपको क्या पूछा है सर ये नहीं पूछा है साढ़े चार से पाँच पांच ये रही बारबरा ये आंसर है ये है बारबरी बारबरी का दूध भी ज्यादा है और ये भी ज्यादा है ढाई से कुछ होता ही नहीं है और मैं पहले कह चुका हूं मेरा डेटा एक भी नहीं है मेरा बुक का डेटा नहीं ये राजस्थान बोर्ड की बुक का डेटा है मेरी खुद की पशुपालन की बुक चलती है उसमें भी मैंने ये डेटा नहीं दिया है क्योंकि एग्रीकल्चर बुक का है मेरी खुद की सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राजपृत नाम से खुद की किताब है लेकिन उसमें मैंने ये डेटा नहीं कि वो किताब एल की है तो सर एल ए से बिल्कुल फॉलोअप हो सकती है एल में तो मेरे बैच चलते हैं एल में तो मेरा बहुत कुछ चलता है क्योंकि पशुधन सायु कम है भगवान की दया से अच्छा नाम है और बच्चे अच्छे पसंद भी करते हैं उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन सब के अंदर कोशिश करेंगे बिल्कुल महेंद्र जी हाँ स्वामणी करेंगे भी, बिल्कुल करनी है बेटा मैं चाहूंगा ये काम जरूर हो मैं सदैव चाहूंगा ऐसा काम हो आपकी नौकरी लगे ही लगे है ना चलो किस नस्ल की बकरी के कान लंबे लटके पर कानों पर सफेद धारियाँ पाई जाती बताओ देखें कान लंबे लटके हुए धारिया हैं हाँ पुपाड़ा बोलो छह बजे वापस आ लो हाँ मनीष जी नहालो जाओ पुपाड़ा बोलाओ तो न्याो जाओला पुपाड़ा बुलाओ तो चलो अब कॉपी पेस्ट मत करो है ना आप कॉपी पेस्ट मत करो मनीष जी आपका पुपाड़ा सुन लिया हमने कॉपी पेस्ट फिर इरिटेशन होता फिर मैं एक को भी पढ़ना बंद कर दूंगा हाँ इसलिए तीन जल्दी करो एक बार को करवा दो हिंदी जी के भी अब वो टीम देखेगी भाई हाँ आंसर आ रहा है ना हम्म बिट्टल सी सी और बी में क्या लफड़ा है भाई कई जने सी कर रहे हैं कई जने बी कर रहे इधर जमुनापुरी तो नहीं है है ना हाँ कानों पर सफेद धारिया वो तो पूरी सफेद है ये बीटल है ध्यान रखना कानों पर सफेद धारिया है ना वो बीटल होती है बीटल ब्लैक एंड व्हाइट है बीटल ब्लैक एंड व्हाइट है इधर देखो बीटल है ब्लैक बीटल है ब्लैक उस पर है वाइट धारिया बीटल ब्लैक एंड व्हाइट है जब पंजाबी बीट बजती है अंधेरे के अंदर या तो व्हाइट लाइट होती है ब्लैक होता ब्लैक एंड बीटल है ध्यान रखना बीटल बीटल नॉट सी अरे जमुनापुरी तो पूरी सफेद है यार जमुनापुरी में क्या सफेद सफेद धारिया थोड़ी होगी क्या सफेद सफेद में थोड़ी होगी बेटा जी चलो नेक्स्ट आ जाओ फटाफट क्विक कौन सी बकरी की नस्ल विदेशी है देखो ये सामने पड़ी है बारबरी बारबरी कहाँ है अफ्रीका की है अफ्रीका के शोमाल प्रदेश की है अफ्रीका के सोमालिया प्रदेश की है आ जाओ फटाफट ये किस नस्ल की बकरी का मांस उच्च कोटि का होता है फटाफट बताओ देखे सिरोही है सिरोही है इसका दूध कम है मांस के लिए पाली जाती है और ये चारा और विकास कार्यक्रम चारा और विकास कार्यक्रम रामसर अजमेर में इस पर रिसर्च चल रही है और इसको तगड़ी मांस वाली है ना भेड़ बनाने का प्रयास कर रहा है इनकी मसल्स बनाई जा रही है बिल्कुल बढ़िया बढ़िया भाई अरे मोती है मोती ध्यान रखना गुड 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 किसमें बकरे में डाडी होती है लो भाई साहब ये डाडी वाला बकरा कौन सा ऐसे लिखा करो चौदह का सी चौदाह के बी ऐसे लिखा करो है ना हाँ चौदह का लिखा करो फोर्टीन का बिल्कुल अनिशा जी मोहित जी राम सिंह जी मीणा जी आपका जो मैसेज है हमारी टीम देखती है और आपको इस पर कमांड करेंगी ऑनलाइन कोचिंग है ना कंप्यूटर अनुदेशक की वो बिल्कुल लगाएंगे है ना हुँ. बिल्कुल ए ए ए ज्यादा आंसर ए आ रहा है कुछ सी भी आ रहे हैं पंकज जी का ए है है ना बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है आपकी बार ए इस बार ए है ना बार है ए सही बात है ए राइट आंसर है वैसे ये डाडी का सी का ना, भार का क्वेश्चन कम आता है ज्यादातर फैट उत्पत्ति स्थान है ना और दूध फैट उत्पत्ति स्थान दूध ये तीन चार सवाल आते हैं आ जाओ कौन से बकरी भारी बरकम नस्ल होती है बताओ देखें भारी बरकम कौन सी होती है जिसका मास के लिए पाला जाता है भारी बरकम नंबर पंद्रह का बताओ बेटा फटाफट फिफ्टीन का भारी बरकम नस्ल कौन सी है ऐसे आगे ये लिखा करो चौदह पंद्रह जैसे अभी लिखा ना नरेंद्र जी ने लिखा चौदह का ये वैसे है है ना हाँ फिफ्टीन का आंसर बताओ फटाफट क्विक अब की बार ये स्पार बस जोश तो बना ही रहना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल हाँ आंखों में आंसू आ जाते हैं सर इतना मोटिवेशन अरे आंसू आंखों में नहीं आने चाहिए ना आंखों में आंसू नहीं है है भाई ए हाँ। ए ए ए ए ए चलो राइट right आंसर इसका सिरोही सिरो नस्ल है ना उसको तैयार कर रहे हैं भारी भरकम बाकी अब देखो जमुनापुरी भी भारी है ऐसे तो है ना लेकिन इसमें नस्ल जो मास के लिए है भारी भरकम है और मास के लिए है वो सिरोही है चलो नेक्स्ट आ जाओ फटाफट नहीं बार बरी नहीं है है ना बार बरी नहीं है हाँ चलो वैसे देखो बाहर में ऐसा है कि वो आपके उस पर है ना उस पर डिपेंड है कि आप उसको कैसे परवरिश देते उसपे है इसलिए निश्चित रहे हाँ आ, ए ए चलो इसका बाहर का इश्यू नहीं है ऐसा कोई है ना ये जीके टाइप का क्वेश्चन आ जाओ फटाफट पंजाब की कौन सी है पंजाबी बीट पंजाबी बीट है कौन सी है पंजाब की कौन सी है पंजाबी बीट अरे पंजाब वाले गाने जोरदार गाते हैं ना पंजाबी बीट बोलो पंजाबी बीट बजा दे ब्लैक एंड वाइट नाचेंगे है ना ब्लैक एंड व्हाइट नाचेंगे है ना हाँ बिल्कुल बिल्कुल सोलह का क्या आ रहा है सी 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 आ रहा है बिल्कुल आ रहा है भारी का कोई भी क्राइटेरिया नहीं इसलिए उस पर ज्यादा है ना कमेंट्स नहीं करें अपने काम से इसमें ना भाई हाँ राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान का राष्ट्रीय पूछा है राष्ट्रीय ध्यान रखना नेशनल लेवल पूछा है नेशनल लेवल बकरी का पूछा है मकदूम मथुरा आया हुआ क्वेश्चन है पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन मकदूम मथुरा के अंदर है तो सर राम सर मैंने सुना था राम सर अजमेर में बकरी का चारा और विकास कार्यक्रम है राम सर अजमेर में बकरी का है बिल्कुल लेकिन बकरी का क्या है चारा और विकास कार्यक्रम है जिसमें सिरोई नस्ल के लिए चारा विकास कार्यक्रम है जिसमें नस्ले के लिए है ना काम किया जा रहा रिसर्च की जा रही है हाँ, थर्ड बिल्कुल राइट आंसर आया हुआ है मैं कह रहा हूं इन क्लासों से क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट में से किस बकरी को रामसर अजमेर सिरोई अभी बताया है रामसर अजमेर सिरोई बताया है नेक्स्ट हाँ औसत दुग्ध उत्पादन बताओ देखे फटाफट तो सिंगल है एक से डेड बीज का दो से तीन है सिरोई सिरोई बीज बाजरा है ना लाना इसमें देखो अपने ट्रिक बनी थी ना क्या तुसी बीज बाजरा ये किसकी थी भाई फैट की ये किसकी थी फैट की बस दूध लाना है ना तो स्टी को आगे ले जाना तो यहां पर एस बीज बाजरा ठीक है इसके आगे इधर ले जाना टी ये हो जाएगा इसमें सिर कितना है दो से तीन है बारबरा कितना है से तीन है टॉगन बर्ग जो है पांच से छह लीटर तक दूध होता है बताओ किसका पूछा ढाई से साढ़े तीन बारबरी ये पड़ी बारबरी बीझ बीटल और जमुनापुरी कितना होता है दो से तीन लीटर होता है जो तुसी बीज बाजरा था ना तू को आगे पटक देना पीछे बची हुई आपकी हो जाएगी कौन सी दूध होगी अरे इन ट्रिकों को बनाने में हकीकत में आठ आठ नौ नौ महीने लगे आपको विश्वास नहीं होगा कितने हमने बैच लिए कितने पेपर कराए कितने हमने एम सी क्यू लिए कितना उसका नतीजा है लेकिन यह है थोड़ा फास्ट जरूर है तो आपको अटेंशन में रहना पड़ेगा फास्ट के लिए है ना क्विक रहना पड़ेगा चलो नेक्स्ट सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है बताओ भाई अभी दूध बताया था आपको सामने पड़ा है आप खुद बता सकते हो जमनापुरी सिरोई कितना है एक से डेढ़ इन दोनों कितना है दो से तीन तो बारबरी कितना है ढाई से साढ़े तीन अभी बताया था सिरोई सिंगल है सिरोई सिंगल है अब की बार इस बार बिल्कुल हाँ अब की बार एस अब हिंदुस्तान का नेता देखो बेटा अपन नहीं सोच पाएंगे अभी अपना सोचो जब कुछ नौकरी लग जाए दो पैसे हो और कुछ कर सको उस समय हिंदुस्तान और समाज सोचना अभी स्टूडेंट का एक ही धर्म एक ही कर्म है पढ़ना और अपने आप को तैयार करना है ना वो आप टेंशन मत लो है ना इसलिए पढ़ाई की बात बेटा हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, बिल्कुल आंसर है इसका डी बार बार अरे दूध की मात्रा पता है ना भाई हाँ बिल्कुल ये लो आंसर आ गया डी नेक्स्ट है किस समल की बकरी का वितरण उदयपुर राजसमंद से है बताओ देखें वर्ग तो भार की है सिरोई नहीं है बीटल मालावारी तो अब ये तो बच्ची कौन सी सिरोई है ना हाँ लेकिन एक बार बीटल भी हो सकती है बताओ देखें इसका आंसर क्या होगा मॉर्निंग 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 भाई हाँ क्वेश्चन नंबर इक्कीस के लिए बताओ फटाफट टॉगनबर्ग है नहीं है ना उदयपुर राजसमंद में कौन सी सिरोई है नहीं मिटल है अब अच्छी कौन सी बीटल ही है तो सर बीटल जो है है ना मालावरी नहीं मालावरी साउथ की है सोनाड़ी बिल्कुल सोनावरी यहाँ है नहीं तो काम करते हैं इसका राइट आंसर बना देते ये लो इस ऑप्शन में इसमें काम करते हैं अपन एक नया ऑप्शन बनाते हैं ताकि एकदम ऑथेंटिक होगा ये लो नया ऑप्शन है सोनाड़ी अब बताओ फटाफट इक्कीसवी का नया ऑप्शन बना दिया है अब बताओ इक्कीसवे का बिल्कुल अब नए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा ओम प्रकाश जी डी होगा सोनाड़ी बना दिया क्योंकि उदयपुर की है ना उदयपुर सोनाड़ी के लिए फेमस है अपन इसमें अच्छा लेकिन बकरी डाल न, लफड़ा ये है तो फिर कैसे करें ना तो अपने को क्योंकि सोनाड़ी तो उसमें चली जाएगी तो फिर अपने को बीटल करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा बीटल सर बीटल पंजाबी भी है हाँ पंजाबी है लेकिन यहां पर भी होती है तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ी है इसका है ना स्विट्जरलैंड की कौन सी है बताओ देखे स्विट्जरलैंड की कौन सी बकरी है ना हाँ बिल्कुल पंचायत ना करो पढ़ाई कर लो हाँ सिर्फ पढ़ाई की बातें करो सोना बाबू हो नहीं पंचायत नहीं करनी भाई सही बात है मनीष जी समझ लिए पढ़ गया समझ लिया हाँ चलो इसका आंसर बताओ फटाफट हाँ दूध की रानी टॉगनबर्ग है बिल्कुल सिरोई से सवाई है ठीक है हाँ सिरोई होगी सिरोई है हो सिरोई, हो सिरोई करें क्या ये लो भाई इसमें देखो ऐसा है वैसे सिरोही येलो इसका मुझे भी लग रहा है कि बीटल तो है ना पंजाबी है इसका आंसर मुझे भी लग रहा था मालाबारी है साउथ की है ठीक है और टॉगनबर्ग कहां स्विट्जरलैंड की है तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए सिरोही को टिक कर रहा हालांकि भी कम है लेकिन आप क्या करें ऑप्शन ऐसे ही है इसलिए चेंज कर दिया बस चलो आ जाओ भाई बाईसवे के अंदर कौन सी है टॉगनबर्ग है स्विट्जरलैंड की बकरी कौन सी है स्विट्जरलैंड की टॉगनबर्ग है स्विट्जरलैंड की गाय कौन सी है ब्राउन स्विस है कौन सी है ब्राउन स्विस है। चलो किस नस्ल की बकरी में दूध वसा बताओ फटाफट ट्रिक लिख दो तुसी बीज बाजरे का लाना तुसी बीज बाजरे का लाना देखना अभी मजा तुसी या लिखते हैं तुसी बीज बाजरे का लाना टी से टी देखो टी से तीन तीन से चार इसमें आधा बड़ा होगा साढ़े तीन से साढ़े चार इन दोनों के अंदर साढ़े तीन से पांच और इसके अंदर साढ़े चार से पांच देखो पांच कॉमन है साढ़े तीन से साढ़े चार से तीन से चार अब बताओ कौन सा है टॉगन टॉगनबर्ग का कितना टी से तीन से चार ठीक है सिरोई सिरोई सिरोना है साढ़े तीन से साढ़े चार है ना और बताओ देखें कौन सा बीटल बीटल कितना साढ़े तीन से पांच यही पूछा गया बीटल और जमुनापुरी कितना है साढ़े तीन से पांच और मालाबारी का है वो तो साउथ की बकरी कोर्स में नहीं है अरे इतने तरीके से आज तक सही बताना कमेंट्स करके फैट को आपने ऑप्शन में लाए क्या है ना हाँ चलो कहा बेटा कौन सी है इसमें से टॉकनबर्ग है ना और कौन सी है फिर स्पेन टॉकनबर्ग की स्पेन की नहीं है ठीक है हाँ पूरी भारत की अभी तक आया नहीं ईस्ट नहीं आया है ईस्ट देखो नॉर्थ आ गया साउथ आ गया ईस्ट में दो ही है बंगाली गंजे और दोनों भेड़ बकरियों में कॉमन है वहां क्या थे बंगाली जी बढ़ते थे यहाँ बंगाली जी है बीजी है ना बंगाली, बंगाली बीजी है बंगाली बीजी है बंगाली बीजी है तो कौन से है फिर आ, ये रे गंजम है ना क्योंकि मालाबारी कौन सी है भाई साउथ की ओसामा मालाबारी किसकी है साउथ की है बीटल कहाँ की है पंजाबी है ठीक है ओस्मान बड़ी भी कहाँ की है साउथ की है तो फिर बच्ची कौन सी गंजी बंगाली गंजे अब बताओ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारी आ गई क्या नॉर्थ की चैगुगड्डी चंगतंगी आ गई चंडीगढ़ वाली साउथ की कौन सी आ गई ओसम आ गई और ईस्ट की कौन सी आ गई बंगाली गंजे वेस्ट में कहा समाज गजब है अरे बताओ मेरे पास एक्चुअली समय बहुत कम रहता है क्वेश्चंस और काम बहुत ज्यादा बाकी इसका फ्लो चार्ट बनाए पूरा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चार बार बोले तो बहुत मजा आ जाए है ना हाँ सर भारतीय बकरी सबसे बड़ी नस्ल अरे इस प्रकार के जीके टाइप के क्वेश्चन होते हैं वीरेंद्र जी है ना कि सबसे बड़ी कौन सी छोटी कौन सी अपन प्रोफेशनल जो एग्रीकल्चर की साइंस है उस उसपे काम कर रहे हैं उसमें इस प्रकार क्वेश्चन नहीं आप देखो पुराने पेपर उसके अंदर फैट वसा उत्पन्न वर इसी करता है मतलब अकॉर्डिंग टू एग्जाम है है ना भाई हाँ बारबरी बकरी है आ, actually देखो ये तो है ना अपने-अपने अलग अलग चलता है ज्ञान प्रकाश ही कोई पब्लिकेशन कुछ छाता कोई कुछ छापता पब्लिकेशन विश्वास करते ही नहीं करें, यदि कोई आपके बुक में देखो सबसे पहले आया था शहरी बकरी एग्रीकल्चर बुक का क्वेश्चन है फिर आया था गरीब की गाय एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है फिर आया था भेड़ो पड़जीवी का म्यूजियम भेड़ ना एग्रीकल्चर क्वेश्चन है तो ध्यान रखना जो एग्जाम में लाइन आएगी वो ऑथेंटिक आएगी पब्लिकेशन की तरह नहीं आएगी क्या आप कहीं से कुछ भी कचरा पड़ गया नहीं आपने यदि ऑथेंटिक कहाँ से एग्रीकल्चर की बुक से पढ़ा है अपने सरकारी बुक से पढ़ा है उससे थोड़ा ऊपर जाओ तो आपका सौ परसेंट बीस में से बीस सवाल होगा मैं वही पढ़ा रहा हूं मैं जीके नहीं पढ़ा रहा हूं इधर उधर का नहीं पढ़ा रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं प्योर एग्रीकल्चर साइंस की एकदम बुक टू बुक लाइन टू लाइन जिसपे मैं आपको रिट लगाने के लिए जेरोक्स दे सकता हूं क्योंकि राजस्थान बोर्ड या एनसीआरटी की चलती है ठीक है ना भाई चलो नेक्स्ट किस बकरी में तोतापुरी नाक है तोतापुरी आती है जमुनापुरी और ये देखो सुनना जमुनापुर तोतापुरी का वैसे तो मस्त वाला क्वेश्चन तो है तोते के चूजे होते तो बोलते ए चूजे ए चूजे एंग्लो एंग्लोनोवियन में होता है चोकला में होता है और जसलमेरी में होता है लेकिन उसके अलावा यहां पर एक जमुनापुरी में है तो इसका बनेगा ए चूजे ये ट्रिक बनती है इसमें से जमुनापुरी होती है वैसे जमुनापुरी बकरी जमुनापुरी बकरी चसनेरी भेड़ इन दोनों फूल होता है थोड़ा बहुत इसमें है ना चौकला भी होता है लेकिन आपके कोर्स में बीटल भी दिया हुआ है यदि खास बात करें एग्रीकल्चर की तो तोतापुरी की ट्रिक है बी, जलेबी बाई होती ना जजे भी सर जजे बी क्या है मैं प्योर एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं जमुनापुरी में होता है ना जमुनापुरी में है जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का बताओ उसके लिए तो एकदम लाइन टू लाइन है फिर जैसलमेरी हमने कलेक्शन की है, है फिर कौन सा है बीटल का है फिर कौन सा है बीटल का है ये तीन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की किताब है राजस्थान बोर्ड में है ठीक है भाई हाँ और उसके बाद ये टोटल है ये से एंग्लोनोबियन है एक उधर होती है एंग्लोनोबियन उसमें है चूझे चौकला है चौकला वैसे है लेकिन आपके बुक ने नहीं, नहीं दिया जस्सल लिख दिया है जमुनापुरी लिख दिया है बताओ ऑथेंटिसिटी कैसी लगे बी हाँ स्पीड से चलो लो भाई स्पीड इस इससे ज्यादा क्या रखे बेटा इससे ज्यादा स्पीड इस रखेंगे गिर जाओगे <laughs> फिर भी चलो महेंद्र जी सैनिक आपने कह दिया हैं स्पीड बकरी का वंश है कैप्रा है ना बोइडी किसका है गाय का गाय की फैमिली है बोविडी क्या है फैमिली है गाय बैस भेड़ बकरी की फैमिली है बोइडी और इस किसका है भेड़ का है ना पश्चिमी भारत की बकरी है पश्चिम मतलब वेस्ट वेस्ट के समाज गजब है वेस्ट के समाज गजब है इसमें से ये दो है ये दो है ये दो है बताओ देखिए इसमें से कौन सा गड्डी कहाँ की है नॉर्थ की है नॉर्थ की गड्डी गजब है गंजम की है ईस्ट की है ईस्ट में है संगमारी कहाँ की है साउथ की है और ये देखो वेस्ट की क्या आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारी की सारी बकरियों की ट्रिक बता दी भाई अरे बोलो हाँ मोहन सिंह जी बीटल का राजस्थान वितरण से बीटल पंजाबी है पंजाब एरिया के आसपास है ऐसे पर्टिकुलर अपन ये के नहीं कहते हैं वहां की है, है पंजाब बकरी है ना तो पंजाब के उधर वाले क्षेत्र में बीटल का फूल रहता है वितरण क्षेत्र ठीक है बेटा हाँ सर मैं अमल ठोकर दो बजे तक पढ़ू मनीष जी कहते बढ़िया बढ़िया अमल मत ठोको नहीं तो फादत पड़ जाला ठीक है हाँ बीटल जो है मोहन सिंह मैंने एक कहा ना आप कॉपी पेस्ट मत करो मेरे को एक बार दिख जाता है कॉपी पेस्ट करने से फिर लगता है कि आप टाइम पास करो बेटा ना हाँ चलो <laughs> याद है सर हमें तो बढ़िया 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 भाई आ जाओ नेक्स्ट गरीब की गाय क्वेश्चन आया था एग्रीकल्चर की बुक में ये लाइन थी और ये लाइन एस टीज आ गया था एस टीज आई थी ये कौन सी थी गरीब की गाय है बकरी क्यों गरीब जो है वो गाय भी ऐस को अफोर्ड नहीं कर सकता बकरी कम खाती है छोड़ दो आराम से छोटा सित्र लेती है दूध भी ठीक देती है वसा भी ठीक होता है ना ये मनीष जी क्या कॉपी पेस्ट कर रहे हो भाई ये है ना और ये मैंने पहले कहा मैं क्लास से बंद कर दूंगा है ना ये इमोजीज और आपकी बातें रही ना तो इस प्रकार की ट्रिक है मैं एकदम रोक दूंगा क्योंकि मेरे ऐप में मुझे बहुत काम है स्पष्ट है टीचर और स्टूडेंट वाला रिलेशन होना चाहिए आप इस प्रकार से कुछ भी है ना इमोजी और ऐसा रखेंगे ये कोई मौज मस्ती का नहीं है इतने शानदार क्लासों को इस तरह से बताया जाए इसका अर्थ है कि आप उनको पॉजिटिव ठीक है ना बेटा हाँ चलो नेक्स्ट में से बकरी के सिंग कौन सी बकरी है बताओ देखे है पे है ना आपके काम का नहीं था लेकिन उधर की, है, की है, बीटल है, गंजम है, है ये थोड़ा सा आपका चलता फिरता फिर रनिंग फिर एटीएम है ब्लॉक कर देंगे करना ही पड़ेगा और क्या है ना ब्लॉक कर देंगे ऐप का बेटा ऐप में आ जाएगा आपके पास ऐप में आ जाएगा है ना हाँ एप का जाएगा अट्ठाइस में ए और डी इन दो आ रहा है ना हाँ। ए और डी नहीं नहीं इसमें ए रहेगा डी नहीं रहेगा गड्डी गड्डी है नॉर्थ की बेड़े हैं नॉर्थ की बेड़े हैं नहीं मालाबारी आपने देखी कभी क्या मालाबारी देखी क्या मालाबारी होती नहीं है ना मालाबारी नहीं है और ये वैसे क्वेश्चन भी थोड़ा सा अजीब सा इस क्वेश्चन का मीनिंग नहीं है ना चलो इसको छोड़ो एक बार है हाँ। न किस नस्ल की बकरी भरतपुर धौलपुर अधिक क्षेत्र पाई जाती है दे। बताओ देखिए भरतपुर धौलपुर साइड में कौन सी है गोयलवाड़ी है नहीं ओस्मानवाड़ी है नहीं जमुनापुरी हाँ जमुनापुरी हो सकती है यूपी साइड में और बीटल पंजाबी साइड में है क्वेश्चन नंबर थर्टी का आंसर बताओ फटाफट तुरंत प्रभाव से बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है जमनापुरी जमुनापुरी राइट है भाई जमनापुरी है ना जमुनापुरी यूपी और यूपी अटैच है बर्तपुर धौलपुर मेवा क्षेत्र उधर बकरी पश्चिमी भारत की पश्चिम मतलब कौन सा हो गया ईस्ट और वेस्ट नॉर्थ साउथ है ना ईस्ट वेस्ट वेस्ट की क्या ट्रिक थी? समाज गजब समाज में आपके मारवाड़ी है सूरती भी है बी और सी दोनों ही हैं अरे वेस्ट वाली बताई थी ना एस स्क्वायर एम स्क्वायर जे स्क्वायर जी जे बी स्क्वायर समाज गजब है तो इसमें सिरोई मारवाड़ी ये है के भी है ना हाँ बिल्कुल रोज पढ़ाएंगे लेकिन एक बात है थोड़ा सा अपने को पढ़ाई का माहौल में ऐसी बातों से इरिटेट हो जाता हूँ और मैं बंद कर देता हूँ भाई है ना यदि मस्त माहौल रहता है तो मुझे मैटर देने में कोई कमी नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा सा कमेंट से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट रहता हूँ ऐसा नहीं है बंद कर हिसाब चला जाए ठीक है आ जाओ फटाफट नेक्स्ट में से कौन सी बकरी और भैंस दोनों की नस्ल है महसाणा सूरती बिल्कुल ये आपके मैंने बताई थी बकरी भी है और ये आपके भैंस भी है कौन सी थी एस स्क्वायर एम स्क्वायर ये देखो ये थी ना सूरती महसाणा और मारवाड़ी रेडी है ना भाई हाँ सबके कमेंट्स होते हैं भाई सबके कमेंट्स होते हैं सबके कमेंट्स होते हैं ठीक है भाई हाँ बकरी वाली क्लास है हाँ निर्ण में से बकरी के पिछले पैरों पर लंबे फिदर कहा जाता है जमुनापुरी जमुनापुरी के पीछे वाले जो पैर है उसको बोलते हैं क्या 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 बोलते हैं बोलते क्या बोलते बोलते है? बोलते हैं बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा हाँ। चलो ये थोड़े से क्वेश्चन का ज्यादा है पचास है और टाइम कम है तो दस को पंद्रह क्वेश्चन करना है भाई ठीक है बेटा किस नस्ल की बकरी के कान हिरण जैसे छोटे छोटे से छोटे छोटे सुंदर सुंदर से कान होते हैं बताओ देखे फटाफट हाँ इसका आंसर बताओ देखे फटाफट किस में यहां पर छोटे छोटे से कान होते हैं छोटे छोटे कान वाले कौन से आंसर दो फटाफट बारबरी है शहरी बकरी है उसके बारबरी है शहरी बकरी है उसके हाँ सुपर सुपर भाई बढ़िया बढ़िया नेक्स्ट नीन में से किसकी औसत दो ढाई से तीन बताओ देखें है ना सिरोई कितना होता है ढाई दा, सिंगल है उसके बाद बीच में दो से तीन है बारबरी ये पड़ी बारबरी बताया था ना बार बारबरी कौन सा है तुसी बीज बाजरा लाना तुसी बीज बाजरा लाना स्टी को यहाँ यहाँ पे सिर एक से है बीज का दो से तीन है बाजरे का ढाई से साढ़े तीन है और टॉगनबर्ग का पांच से छह है ऐसे एक साथ दूध को लिखना उसकी ट्रिक बनाना और उसको देना बहुत ज्यादा मने जी अमल की मनवार रियान कहलाता है ये सब मत करो यार ये भाई ब्लॉक कर दो इसको जो भी है ना ये मनीष ये फालतू बातें करते हैं इनको सिर्फ पढ़ने वाला है बिना पढ़ने वाले यहां नहीं आया करें उनका कोई काम नहीं यहां पर तो ठीक है यहां पे YouTube पे इस प्रकार झेलना पड़ता है क्लास में ऐसा को बाहर निकाल देते हैं सिर्फ पढ़े क्योंकि आपको पता है कि इस प्रकार से बी दूध है फैट है इनको साथ लाना भाई साहब बहुत ही मुश्किल होता है ठीक है हाँ बर्बरी बकरी ही पालनी चाहिए सर बिल्कुल सिटी की बकरी होती है ना हाँ चलो नेक्स्ट किस नस्ल की बकरी सफेद रंग जिस भूरे दम अभी बताई थी अभी बताई थी आपको फोटो बताया था शानदार वाला कौन सा है ना बारबरी बकरी जो है हाँ फोटो बताया था बताओ फटाफट दक्षिण भारत की बता दी ना बेटा साउथ की भेड़े बता दी मैंने आपको साउथ की सारी भेड़े बता दी है हम साउथ की बता दी है इसमें से कौन सी है बारबरी बताई थी देखो सिरोई और इसमें लफड़ा है ध्यान रखना सफेद रंग की होती इसमें क्या होता है भूरे में सफेद धब्बे भूरे रंग की होती है और भूरे रंग की और उसमें सफेद धब्बे ध्यान रखना ये लाइन है और बारबरी जो है ना उसमें क्या होगा उसमें बकरी तो सफेद है सफेद में भूरे धब्बे हैं बहुत ही खतरनाक लाइन है भाई बहुत ही शानदार लाइन है ठीक है देखो यू मजाक मस्ती से और ऐसे पढ़ाई नहीं होती है बहुत ही तरीके से गंभीरता से माइंड को फ्रेश रखते हुए चलना पड़ता है बहुत ही कॉन्फिडेंस से चलना पड़ता है ऐसे कुछ भी अपन इधर कमेंट करते नहीं इसका मतलब चंचलता है पढ़ने का मन नहीं और वैसे बच्चों से मुझे कोई स्नेह नहीं होता है उत्कर्ष सिर्फ उसके साथ जो पूरे मनयोग से पढ़ता है सेलेक्ट होता है नौकरी के लिए लड़ता है जिसके दिल में सिर्फ एक ही बात है सर मुझे पढ़ना है बाकी ऐसे कचरे को उत्कर्ष नहीं पढ़ाता ठीक है अब जबरदस्त आजत अलग बात है आइए में हम नहीं पढ़ाते पढ़ाते हैं बेटा सब जगह पढ़ाते हैं ना यहाँ पे सिर्फ आप पढ़ाई का करो ब्लॉक कर देंगे बिल्कुल ब्लॉक के हटाई देंगे है ना हा चलो तो ये फर्क है फर्क है ना देखो सिरोई कैसी है भूरे में सफेद है सफेद में भूरा फर्क पड़ता है ना सफेद में भूरा भूरे में सफेद है हा चलो किस बकरी की नस्ल का रंग काला और सफेद काला ब्लैक एंड व्हाइट बीटल बीटल ब्लैक एंड व्हाइट देखो नाम क्या है बीटल

बड़े शानदार अच्छी से सुनो डायलॉग सुनो अपने आप को इंटरेस्टिंग तरीके से पेश करो इतनी आनंदित क्लासे होती नहीं कहीं पे है ना हाँ नेक्स्ट कौन सी भेड़ बकरी दोनों की नस्ल है सूरती नहीं सूरती है भैंस की है न बकरी की है और भेड़ बकरी का भी देखना मजा मैसाणा भी सेम है भैंस की बकरी की है मारवाड़ी है मारवाड़ी भेड़ भी थी और बकरी भी है मारवाड़ी भेड़ भी थी और बकरी भी है है ना हाँ इससे फास्ट क्या चले भाई एक से डेढ़ घंटे में आपको फोटो भी दिखाता हूँ पचास क्वेश्चन कराता और क्या फास्ट करें है ना इससे ज्यादा नहीं हो सकता एक डेढ़ घंटे में आपको इतने सारे पचास क्वेश्चन इतने फोटो ये सारे दिखाता हूँ और क्या करें है ना चलो नेक्स्ट चलता फिरता फिर रनिंग फिर, डेयरी कौन सी है बकरी बकरी के लिए लाइन चलती रनिंग डेयरी है चलता फिरता फ्रिज है चलता फिरता एटीएम है गरीब की गाय ये सब एग्रीकल्चर की राजस्थान बोर्ड की किताबों का है हाँ बेटा सब अच्छे बच्चे है कोई दो चार छोड़ दो सारे शानदार अच्छे बच्चे है है ना कोई एक दो छोड़ दे और मैं तो उनको भी अच्छे बनाकर पढ़ने में लाना चाहता हूं दिल खुशी बिल्कुल शानदार ही है अच्छे ही है है ना हा नेक्स्ट किस तो अजमेर और भीलवाड़ा बताओ देखिए ये तो आ गया था ना अभी है ना अजमेर भीलवाड़ा कौन सी सूरती के झालावाड़ बीटल उधर की है सिरोही नेक्स्ट बकरी की कुल है ये आया था भाई क्वेश्चन आया हुआ है बकरी का कुल है बोविडी बोविडी बकरी का नहीं है गाय भैंस भेड़ बकरी सब का यही है है ना मुझे बहुत कुछ कराना है लेकिन एक्चुअली समय कम है अभी मैं इसका पूरा क्लासिफिकेशन कर इतना मैटर है हकीकत में लेकिन समय नहीं है मैं अपने 100 परसेंट मैटर का इन दिनों में 10 से 15 परसेंट भी नहीं दे पाऊंगा लेकिन ये है कि जितना कर सकता हूं करूँगा बेटा है ना हाँ शाम को यहां नहीं होती क्लास बेटा ना हाँ हाँ चलो ये कौन है एनिमल या एनिमल या कॉर्डेटा क्या कॉर्डेटा उसका संघ है और एनिमल ये क्या है जंतु जगत है जंतु जगत है जंतु जगत है ये क्या है मनीष क्या कह रहे हैं अम्ल खारा है क्या फालतू तो बातें कर रहा हाँ। है अभी ऊंट कैमिलेडी बिल्कुल ऊंट कैमिलेडी है एग्जाम डेट आगे होगी क्या नहीं बेटा बिल्कुल नहीं होगी हां नहीं मानसू जी बुले नहीं है बिल्कुल आपको देखेंगे ना चलो आ जाओ नेक्स्ट किस नस्ल की बकरी का सिर छोटा कान लंबे पत्ती नुमा होते पत्ती नुमा कान सिरोई में। ध्यान जब भी यह शब्द आ जाए पशुपालन में पत्ती नुमा कान लटके ठीक तो है और गिर गाय में मैंने बताया था गिर गाय में गिरे हुए कान है और एक यहां पर है ना मालपुरा में होते हैं ट्रिक के सिरोई और गिर में तो होती होते हैं ठीक है भाई हाँ क्लास ऐप में नहीं दिखा रहा है करा रहा हूँ बेटा कराऊंगा ऐप में अभी नौ बजे बोल दूंगा है ना चलो नेक्स्ट so, आ जाओ तीन से चार पर टी से देखो तीन टी ती, टी ती से तीन ती से तीन, ती से तीन से चार परसेंट तीन से चार परसेंट तीन से चार कौन सा है अपने टॉगन घेरा टॉगन टॉगनबर्ट जमुनापुरी कहां सा है बताओ देखे तुसी बीज बाजरा लाना तुसी बीज बाजरा लाना तुसी बीज तीन से चार वो रहा है ना सिर कितना है सिरोई कितना है सिरोई कितना है साढ़े तीन से साढ़े चार अरे सिरोई कितना है साढ़े तीन से साढ़े चार है बीटल और जमुनापुरी कितना है साढ़े तीन से पांच है इतना साथ एक साथ फैट परसेंटेज दूध वो सब इस याद करा रहे हैं बिल्कुल ही है ना कितने बजे से क्लास होता है सर सुबह साढ़े सात से नौ होता बेटा नेक्स्ट किस नस्ल की बकरी का नाक उभरा हो नाक है तो नाक यदि आपको पूछे तो इसका सीधा जलेबी बाई की जगह जजेबी बाई है जमुनापुरी जसलमेरी है ना बीटल ये पड़ी बीटल एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में सिर्फ तीन लोगों का है पक्षी क्या बेटा अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान ये क्या है है ना आ जाओ इधर फटाफट ठीक है मनीष को हटा देंगे ये जो भी है ना ऐसी प्रकार कचरा जो भी है फालतू तो बातें जो करता है उनको हटा देंगे और ये तो ठीक है यहाँ पर यूट्यूब है बाकी इस प्रकार बच्चों को झेलना सही नहीं है ठीक है हाँ अब क्या करें कचरा उठ के आ जाता है चलो आओ इधर फटाफट जजे भी, भी क्या है जमुनापुरी जैसलमेरी और बीटल जजेबी ये एग्रीकल्चर में है ध्यान रखना ये एग्रीकल्चर में है किताब का हिस्सा है जिसका फोटो लेकर आपत्ति दर्शाई जा सकती है ठीक है भाई हो गए क्या अरे यार पता ही नहीं चला पांच क्वेश्चन कर ही लेते हैं आप हो जा, हो जाए जाएगा ना हाँ। बकरी की किस नस्ल में औसत से छह लीटर होता है टॉगनबर्ग देखो टॉगनबर्ग में कितने शब्द है पांच अरे पांच शब्द है ना पांच से छह लीटर है हकीकत में बता देना मुझे कमेंट्स करके इस क्लास के शुरू होने से पहले कितने बच्चों को पूरा दूध वसा और इतने तरीके से आता था है ना सॉरी इससे भी शानदार चीजें मेरे पास है लेकिन माहौल मैंने कहा ना जितना खतरनाक होगा मैटर मेरे पास कमी नहीं है इतना मैटर मैंने इकट्ठा कर रखा बनवा रखा है ऑर्डर है आरटीओ डेक्टाइला देखना यहां पे ऑर्डर गण की बात है कैपरा उसका वंश है एनीमेलिया जगत है अरे मेरे पास समय होना इसका पूरा क्लासिफिकेशन छापू एक साथ आठ पशुओं का क्लासिफिकेशन एक ही लाइन में बोल सकता हूं लेकिन समय का और माहौल का दोनों का मुझे माहौल चाहिए भाई मुझे तगड़ा माहौल चाहिए अप्रिसिएशन चाहिए तो तो मैं करूंगा काम और नहीं तो मेरे पास समय नहीं है मैं उन चीजों को आगे आउट नहीं लाऊंगा भाई ठीक है ना पक्षियों का इज्जत नगर बरेली आई सेंटर है भाई है ना आई है हाँ बहुत मैटर बहुत बहुत चीजें हैं और आपके भयंकर काम की आप अपने स्तर पर उसे नहीं ला सकते वो बोले किताब पढ़ लूँगा किसी किताब में नहीं सर बुक पढ़ लूंगा बोर्ड की उसमें नहीं अरे उसमें से निकालना पड़ता है टेक्निक्स बतानी पड़ती है ठीक है ना हाँ एक से डेड एक एक को क्या बोलते हैं सिंगल्स एस फॉर सिंगल एस फॉर सिरोई ये देखो शानदार ट्रिक है एस सिरोई एस सिंगल है जमुनापुरी जमुनापुरी बीज है दो से तीन लीटर बार बी है, है साढ़े तीन डाई से साढ़े तीन है ढाई से साढ़े तीन है संगम नेरी साउथ के यहां पे है ही नहीं चलो रावी नदी के क्षेत्र पर उत्तम पशु कौन से पाए जाते हैं अब रावी नदी का यहां कोई सीन नहीं है भैया ना रावी देखो थोड़ी बहुत इधर बीटल से जा सकती है है ना हाँ लास्ट क्वेश्चन पचास किस नस्ली बकरी के सिंह छोटे पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं बताओ फटाफट आंसर बताओ लास्ट क्वेश्चन आगे है किस में यहां पर ऐसे सिंह है लास्ट बताओ ए सिरोही ये लोग फिफ्टी ठोक दी है अरे एक डेढ़ घंटे में इतने फोटोस इतने डायलॉग और पचास क्वेश्चन करना अपना में। बहुत दम की बात होती है और आराम से आप देख सकते हो नहीं देख सकते हो क्या हाँ सिरोई 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 बीटल के नहीं होते बेटा है ना मैराथन लग रही है मैराथन लग रही बीटल नहीं है इसका है ना का बीटल नहीं है सिरोई है अजमेर के लिए है फिक्स है ये तो सिरोई है ना मैराथन क्लास कल कोशिश करेंगे बेटा हाँ और इसके अलावा देखो अभी तुम्हें बता नहीं पाया समय के कारण बाकी इस प्रकार से देखो ये भी मेरे पास मैटर था लेकिन टाइम की कमी थी और इधर से माहौल तगड़ा होता तो शायद ये भी बता देता मेरे पास ऐसे हर बकरी का ये जमुनापुरी के पॉइंट पड़े अभी सिरे का पॉइंट बताओ आपको ये बारबरी का पड़ा कान हिरण जैसे क्वेश्चन था ना आज कान हिरण जैसे था वसा थी सब कुछ था यदि माहौल तगड़ा होता एक एक बताओ येरा बीटल देखो कान लंबे लटके हुए येरा गुरदासपुर के फिरदोसपुर है वसा इतनी रावी नदी ये पड़ा रावी ठीक है सिरोई सिरोई येरा सिरोई के अंदर देखना अभी का पॉइंट बता बताता आपको आपने कहा था ना ये है ना और ये सब बुक का पॉइंट है ये देखो सिरे के लिए ये उत्पत्ति स्थान है सिरोई राम से अजमेर में सिंह छोटे और पीछे की तरफ मुड़े हुए ये तो पचासवा क्वेश्चन है ना अरे बहुत मैटर है बहुत लंबी चौड़ी टीम है रात दिन काम करती है पांच पांच ऑपरेटर है है ना असिस्टेंट होते हैं मैं खुद किताबों से करता हूं उत्कर्ष कोई छोटा मोटा काम नहीं करता है भाई साहब एक एक ऑथेंटिक के साथ काम करता है फिर हमें कोई एक दो तीन चार साल नहीं पंद्रह साल का एक्सपीरियंस होने के बाद ऐसे निकलते हैं तुम्हारे लिए तो हम मोतियों की बरसात करते हैं और उसके बाद में ऐसे कमेंट्स आते हैं और ऐसे डाउट आते हैं नहीं भाई इस प्रकार की चीजें भयंकर पड़ी है वो एग्जाम को क्रैक कर सकती है क्यों रात

बहुत मेहनत है भाई बहुत काम है यहां कम से कम पंद्रह सो दो हजार की टीम काम करती है पांच पांच असिस्टेंट है रात दिन काम करते है आप आके देखो माहौल एक बार शिक्षा की अलग जगह उत्कर्ष ने शिक्षा पे इतना काम किया है जब कोरोना के अंदर लॉकडाउन में बेचारे बच्चे पढ़ाई को भूल चुके थे तुम खुद बताओ यदि यह ऑनलाइन नहीं होता ऐसा मंच नहीं होता इतनी तो शानदार पढ़ाई होती क्या है ना कोरोना में स्कूलें बंद कोचिंग बंद बच्चों की पढ़ाई खत्म थी उत्कर्ष ने एक दिन पढ़ाई खत्म नहीं होने दी इतनी तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासे लगाता है यूट्यूब पे लगाता है इतना काम करता है उसके बाद रेस्पॉन्स इतना भयंकर होना चाहिए कि कॉन्फिडेंस बढ़े ठीक है आप सबको इतना प्यार अफेक्शन देना चाहिए कमेंट से इससे इतना मामला फैलाना चाहिए वास्तव में यार हमारे लिए बहुत शानदार किया जाता इतना मैटर आप खुद बता दो क्या आप कहीं से ला सकते हो क्या इसलिए बस आप तो मस्त माहौल बनाओ और अपने आप को शानदार तरीके से दे दो और यूट्यूब क्या आप बोलो बिल्कुल लगाए लेख किन, एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं एक भी इमोजी नहीं आपस में बातचीत नहीं है यदि मैं कह रहा हूं आपसे शानदार है तो उत्कर्ष कहीं ना कहीं नाम के जैसी उत्कृष्ट पूरा करेगा बेटा ठीक है बेटा हाँ तो मिलते हैं मंडे को और मंडे को कराऊंगा सबसे शानदार चीज़ जितने आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कर देना सोमवार की क्लास ऐतिहासिक क्लास बनाने के लिए आऊँगा उसके अंदर लाऊँगा कौन सा राजस्थान की पशु गणना जिसका डेटा आज तक याद नहीं हुआ एक एक पशु को खींच खींच के लाऊँगा उससे हर भर्ती में क्वेश्चन पड़ेगा और उसके बाद सोमवार को कराऊंगा थ्योरी मंगलवार को क्वेश्चन चलेंगे बुधवार को कराऊंगा पशु मेले दस के दस पशु मेलों की डेट तिथिया तक तक याद कराऊंगा जो आज तक याद नहीं होते मेरी पशु मेला तेजाजी पशु मेला जसवंत पशु मेला है ना वैसाखी पशु मेला गोमती सागर पशु मेला ऐसे ऐसे पशु मेले हैं आपको अंगुलिया पे टिप्स कराऊंगा जितने जनों को जोड़ना जोड़ देना मैं भी आज से उसका डाल देता हूं कहीं ना कहीं अटेंशन में मस्त काम करना और सेलेक्ट हो जाना क्योंकि पिताजी की फिक्र को फक्र में बदलना है और माँ के पसीने की बूंद को सा चमकाना है तो मेरे साथ काम करें और कमेंट से बता देना कैसी क्लास रही है आज का काम फिनिश हो गया ओके थैंक यू बाय